हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह। आइए हम इस सुंदर शाम के वक्त प्रभु के हजूरी में चले, आइए हम इस सुंदर संध्या काल के वक्त प्रभु के उपस्थिति में चले, इस आनंद में अद्भुत रात्रि में प्रभु के पावन पवित्र चरणों के निकट चलें और उसके वचनों का अध्ययन करते हुए उससे बातें करें, यानी कि प्रभु से प्रार्थना विनती करें और उसके अनुग्रह को, उसके दया को, कृपा को, प्रभुता को, करुणा को प्राप्त करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह में प्रिय भाई बहन, आज की प्रार्थना में शुरू से अंत तक शामिल रहिए, क्योंकि आज हम आपके रोग बीमारियों के लिए, दिक्कत परेशानी, सारे प्रॉब्लमों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, अपने मन को, अपने ध्यान को आज के प्रार्थना में लगाइए। प्रभु, आज आपके लिए अपने छेदे हुए हाथों को, अपने चंगाई के हाथों को स्वर्ग से बढ़ाकर आपको छुएगा और आपके बॉडी में से हर बीमारी को, हर रोगों को हमेशा के लिए निकाल देगा। हाँ मेरे प्रिय, जब आप आज की प्रार्थना में अपने मन को, अपने ध्यान को लगाएंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, तो आज की प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कार के कारण बनेगा, आशीष के कारण बनेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु, आपके सारे दिक्कत परेशानी को, तकलीफों को, कलेशों को, पीड़ा को, दुखों को दूर करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अपने हाथों को अपने बीमार अंगों के ऊपर रखिए और विश्वास से प्रार्थना कीजिए, प्रभु चंगाई देगा, उस बीमार अंगों को चंगा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके परिवार में जो बीमार है, आपके रिश्तेदारों में जो बीमार है, उनके नामों को लेकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु उनको चंगाई देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज आप जिस किसी के लिए, जो कुछ प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको उत्तर देगा। आपके हर प्रार्थना विनती का उत्तर हाँ आमीन में देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के अनमोल वचन को देखेंगे, फिर इसके बाद प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु से प्रार्थना विनती करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 46 अध्याय के उसका 10 पद के वचन को देखेंगे। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसमें लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 स्तुति हो पिता, 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 आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका आदर और सम्मान हो खुदा जी, आप महान है प्रभु। हाँ सच में महान पिता परमेश्वर, आप पृथ्वी भर में महान है प्रभु, सारे जातियों में महान परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा, सच में खुदा, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल आप ही का नाम प्रभु सब नामों में श्रेष्ठ है, सुपर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। इस सुंदर संध्या काल के वक्त प्रभु जी आप ही की हजूरी में आते हैं प्रभु, आप ही की उपस्थिति में आते हैं, आप ही के पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आते हैं स्वर्गीय पिता, और आप ही से प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु। हमारे
प्रार्थना के ऊपर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, ध्यान दीजिए प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कीजिए, हमारे पुकारों को सुनिए प्रभु जी, हमारे आवाजों को सुनिए प्रभु, हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनिए प्रभु, हमारे आंसुओं को देखिए महान पिता परमेश्वर। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर तेरे हजूरी में आए हैं प्रभु, तेरे उपस्थिति में आए हैं, तेरे पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आए हैं प्रभु, और नराम्ता दीनता के साथ टूटे और पीसवे मनों के साथ आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आपसे दुआ कर रहे हैं स्वर्गीय पिता, आपसे प्रार्थना और विनती कर रहे हैं प्रभु। आज के प्रार्थना के ऊपर प्रभु जी तू अनुग्रह कर, तू ध्यान दे प्रभु, प्रभु हमारे मुंह के वचनों की ओर अपने कानों को लगा और हमारी सुन स्वर्गीय पिता, और सुन करके प्रभु जी चुप मत रह, विलंब मत कर, देर मत कर खुदा, आप भी इसी समय प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर, हमारे दुआ बेनती याचना का उत्तर मान पिता परमेश्वर, हाँ आमीन में दे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं, स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर विराजमान खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, सियोन में विराजमान खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, मेरा गढ़ मेरा चाटान मेरा ढाल मेरा किला प्रभु येसु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, मेरे जीवन के मालिक मेरे हृदय के राजा मेरे मन के स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, मेरा सत्य मार्ग जीवन प्रभु येसु मसीह मेरा ज्योति प्रभु येसु मसीह धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु अनुग्रह कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए प्रभु, हाँ सच में प्रभु तुम महाप्रतापी राजा हैं, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु ईश्वरों का परमेश्वर है, तेरे तुल्य प्रभु कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं स्वर्गीय पिता, तू पवित्र महापवित्र खुदा है प्रभु, तू जिंदा खुदा है प्रभु जी, तू सबों के लिए भाला खुदा है, तू कंगालों के ऊपर प्रभुता करने वाले खुदा है, तू अनाथों और विधवाओं का घर बसाने वाला खुदा है प्रभु, तू परदेशियों का पक्ष लेने वाला खुदा है प्रभु जी, तू दीन जनों का परमेश्वर है, नर्म लोगों का परमेश्वर है, धन्यवाद प्रभु, तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, माँ से भी बढ़कर हम सबों से प्यार करने वाला प्रेम करने वाला तू जिंदा परमेश्वर है खुदा, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा और प्रशंसा करते प्रभु, आपका आदर और सम्मान करते, तूने प्रभु आज के दिन में संभाला और आज के रात्रि में लेकर आया प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन के साथ तूने आज के रात्रि को भी हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते आपकी महिमा और प्रशंसा करते प्रभु, आपके दिए हुए इस रात्रि में प्रभु जी आपका बाट जो आते आपके हजूरी में आते हैं, आपके पांव पवित्र चरणों के निकट आते हैं, आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए और उन लोगों को भी लाते हैं प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, अपने मुँहों को खोल करके प्रभु, अपने आवाज़ों को उठा करके गिड़गिड़ा करके प्रभु, रो रो करके बिलख बिलख करके प्रभु जी आपसे कुछ मांग रहे, आपके सामने प्रभु जी आंसू बहाते हुए अपने हाथों को फैला है प्रभु, आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए प्रभु, जिस किसी के लिए प्रभु इन लोग प्रभु आपसे दुआ करें स्वर्गीय पिता, प्रभु अनुग्रह कर खुदा प्रभु, इनके ऊपर दया कर प्रभु, उन सबों के ऊपर तू प्रभुता कर, उन सबों के ऊपर तू तरस खा, उन सबों का शुद्धि ले परमेश्वर पिता प्रभु जी, वचन कहते हैं कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे, होने दे प्रभु जी, आज परमेश्वर पिता जितने लोग प्रभु तेरे हजूरी में प्रभु रो रहे स्वर्गीय पिता, बिलख रहे स्वर्गीय पिता प्रभु, उनके आंसुओं को पोछ डाल परमेश्वर पिता प्रभु, उनके गिड़गिड़ाहट को देख प्रभु, प्रभु उनके आंसुओं को देख प्रभु जी, उनके जीवन में झांक प्रभु जी, उनके जीवन में तू चमत्कार कर खुदा, जो लोग प्रभु बहुत सारा रोगों से पीड़ित है प्रभु जी, ग्रसित है प्रभु दुष्ट से तान से ग्रसित है प्रभु, कामों से बोझों से प्रभु जी, दबे हुए लोन से प्रभु जी, दबे हुए दिक्कत परेशानी से दबे हुए दुख भोग रहे स्वर्गीय पिता प्रभु, अनुग्रह कर उनके ऊपर तरस खा, उनका शुद्धि ले परमेश्वर पिता प्रभु, अनुग्रह कर जितने जन प्रभु बीमार है प्रभु, उनके लिए प्रभु तू अपने छेदे हुए हाथों को स्वर्ग से बढ़ा प्रभु, अपने चंगाई के हाथों को स्वर्ग से बढ़ा प्रभु, और उनको छू ले प्रभु, ताकि उनके बॉडी से हर बीमारी हर रोग प्रभु हमेशा के लिए साधक के लिए निकल जाइए सुनाश्री प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर जो लोग प्रभु जी अपने हाथों को विश्वास
आवाज के साथ प्रभु अपने बीमार अंगों के ऊपर रख करके आपसे प्रार्थना विनती करें स्वर्गीय पिता, आंसू बहाते हुए रोते हुए बिलखते हुए स्वर्गीय पिता आपसे प्रार्थना विनती करें प्रभु जी, प्रभु उनके बीमार अंगों को चंगा कर दे, उनके प्रार्थना के ऊपर ध्यान दे, उनके विनती के ऊपर ध्यान दे, उनके याचना दुआ के ऊपर ध्यान दे प्रभु और उतर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। ए भाई प्रभु जी, ए बहन, ए बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग प्रभु जिस रोगों से ग्रसित है, जिस बीमारी से ग्रसित है प्रभु जी, प्रभु उस रोगों से, उस बीमारी से प्रभु इनको छुटकारा दे, इनको आजाद कर, स्वतंत्र कर खुदा, मुक्त कर खुदा। धन्यवाद करते हैं लोग प्रभु, जिस किसी के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता, प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी, प्रभु उत्तर दे प्रभु, प्रभु उत्तर दे अब भी इसी समय प्रभु जी उत्तर दे। जिनके बॉडी में प्रभु घाटा है, गिल्टी है, रसोली है प्रभु जी, प्रभु चंगा कर दे। जिनके बॉडी में सफ़ेद दाग धब्बे हैं प्रभु, चंगा कर दे। जिनके मुंह से ब्लड आता है प्रभु, जिनका कान बहता है, जिनके आंखों से पानी गिरता है प्रभु जी, जिनको स्वर्गीय पिता प्रभु जी गुप्त रोग है प्रभु, लहू बहने की बीमारी है प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, अब भी इसी समय प्रभु उनको चंगाई दे महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इनके परिवार में प्रभु जो बीमार है, इनके रिश्तेदारों में प्रभु जो बीमार है प्रभु उनको चंगा कर दे, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, इनके पूरे परिवार को चंगा भला सही सलामत सुरक्षित स्वस्थ रख खुदा, जीवित रख खुदा। धन्यवाद करते, कुशल से रख खुदा। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते प्रभु। जो लोग प्रभु सुग्रे से, थायराइड से, बीपी से, हार्ट की बीमारी से, टीबी से, कैंसर से, इन्फेक्शन से प्रभु ग्रसित है, एलर्जी से, स्किन प्रॉब्लम, पिंपल से ग्रसित है प्रभु, चंगाई दे प्रभु जी। जिनको ब्रेन ट्यूमर है प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। ब्लड शुगर चंगा कर दे प्रभु। ब्लड कैंसर चंगा हो जाए प्रभु। जिनके आंत में इन्फेक्शन है प्रभु जी, जिनके किडनी डैमेज हो गया है प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, आपकी स्तुति। जिनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी है प्रभु, चंगा कर दे प्रभु जी। जिनके आंखों से पानी गिरता है, चंगा कर दे। जिनके कानों से सुनाई नहीं देता है, चंगा कर दे। जो लोग प्रभु चल नहीं सकते प्रभु जी, उनको चंगाई दे प्रभु। उनके हड्डी नस मांस को चंगा कर दे प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु। सूखे अंग वालों के लिए प्रार्थना करते, आपसे दुआ करते, विनती करते, याचना करते प्रभु, चंगा कर दे। फिर से प्रभु उस अंग को हरा भरा करते प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर। धन्यवाद करते, अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद करते, कृपयालु दयालु खुदा धन्यवाद करते प्रभु। ए भाई प्रभु जी, ए बहन स्वर्गीय पिता, ए बच्चा नौजवान प्रभु, विश्वास से प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु, उपस्थित हुए हैं कि आप इस प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई दोगे। हर एक प्रकार के दिक्कत परेशानी से, तकलीफों से, कलेशों से, दुख दर्द पीड़ा से, समस्या से छुटकारा दोगे। होने दे प्रभु, इनके विश्वास को तू बनाए रख प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में कार्य कर खुदा। इनके सारे समस्या को, इनके सारे प्रॉब्लम को, इनके सारे दुख दर्द पीड़ा को, कलेशों को प्रभु जी, परेशानी को प्रभु जी तू खत्म कर दे प्रभु। अनुग्रह कर खुदा, धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी, महाप्रतापी राजा। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते, प्रेमी अनुग्रहकारी खुदा प्रभु, अनुग्रह करते राफा चंगा करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हाँ सेनाओं का ये हुआ, आपका नाम राफा है क्योंकि आप चंगा करने वाले खुदा हैं। तो होने दे प्रभु, तू चंगाई दे प्रभु, जिस भाई बहनों को, जिस बच्चों को, जिस नौजवानों को, जिस बड़े बुजुर्गों को प्रभु चंगाई की जरूरत है खुदा, प्रभु उनको चंगाई दीजिए खुदा। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर। धन्यवाद करते, महा पवित्र खुदा धन्यवाद करते, उच्चा गढ़ खुदा, हमारा सारा आस्थान खुदा धन्यवाद करते, हमारा चट्टान ढाल गढ़ खुदा धन्यवाद करते, हमारा किला यीशु नासरी धन्यवाद करते, हमारा रक्षक सहायक प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु। नए हर्ष और आनंद से भरते प्रभु जी, तूने पूरे दिन संभाला है प्रभु जी, पूरे रात भी संभाल प्रभु। जो लोग प्रभु जी नींद की दवा खाते प्रभु जी, बिना दवा का, जिनको प्रभु जी नींद नहीं आती प्रभु जी बिना दवा का, तो उनको अच्छी मीठी नींद दे स्वर्गीय पिता। जो लोग प्रभु रात में सो नहीं पाते प्रभु, बहुत बहुत सोचते, बहुत चिंता करते प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनको भी तू आराम की नींद दे प्रभु, चैन की नींद दे प्रभु, शांति की नींद दे, सुख की नींद दे प्रभु जी। उनके सारे चिंता, टेंशन, परेशानी को, सोचावट को प्रभु जी तू खत्म कर दे प्रभु, अनुग्रह कर। रात्रि के समय में स्वर्गीय पिता प्रभु तू आशीष दे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करते हैं,
आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते, प्रेमी अनुग्रहकारी खुदा दयालु कृपयालु खुदा धन्यवाद करते, आपकी स्तुति है प्रभु, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। आज की रात्रि में प्रभु जी ये लोग जो भी प्लान योजना बनाएंगे प्रभु, इनके प्लान योजना को प्रभु सफल करना, जो भी युक्तियाँ निकालेंगे निकालेंगे युक्तियों को सफल करना प्रभु। प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद तूने मेरी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, और चंगाई दिया प्रभु, छुटकारा दिया, शांति दिया, सुख दिया प्रभु, सारे प्रॉब्लम को खत्म किया धन्यवाद करते। तूने एक एक मसीह भाई बहन के प्रार्थनाओं को सुना, उनके आंसुओं को पोछा और पिता परमेश्वर उत्तर दिया। हाँ आमीन, में अभी इसी वक्त प्रभु तूने जवाब दिया है प्रभु, इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते, आपका आदर और सम्मान करते हैं खुदा जी। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह करते इसे प्रभु, दया कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए प्रभु, प्रभुता कर दीजिए, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया मेरे प्रियो, जब आप रोग बीमारी से ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं, जब आपके जीवन में समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है, किसी प्रकार का परेशानी आता है, दुख आता है, दर्द आता है, तो घबराइए मत। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के मार्गों पर चलना छोड़िए मत, परमेश्वर से लिपटे रहिए। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के घर में आना यानी कि चर्च में आना बंद मत कीजिए, प्रभु से बातें करना यानी कि प्रार्थना विनती करना मत छोड़िए, प्रभु के वचनों को पढ़ना मत छोड़िए। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि इस वचन में प्रभु खुद कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई खुदा ऐसा नहीं है, और कोई ईश्वर ऐसा नहीं है, और कोई प्रभु ऐसा नहीं है जो आपको चंगाई दे सके, जो आपको सुख शांति दे सके, जो आपके जीवन में आनंद दे सके, खुशियाँ दे सके, आपके रोग बीमारी को दूर कर सके, आपके दिक्कत परेशानी को, दुखों को, गरीबी को, घाटी को दूर कर सके, कोई नहीं है स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हाँ स्वर्गीय पिता तू महान परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, कोई नहीं है। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रभु से लिपटे रहिए। हालेलुया प्रभु ही आपको चंगाई देगा। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, जो अपने हाथों से, अपने स्वरूप, अपनी समानता से हमको, आपको बनाया है राजा है। अगर वो हमारा देखभाल नहीं करेगा, अगर वो हमें शांति नहीं देगा, हमें सुख नहीं देगा, हमें आशीष नहीं देगा, तो कोई नहीं है जो हमें आगे की ओर बढ़ा सके, हमें सुख शांति दे सके, चंगाई दे सके, आशीष दे सके, हमारा ख्याल रख सके। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, खुदा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। एक एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम कीजिए प्रभु, कार्य कीजिए, बड़े बड़े चमत्कार कीजिए। धन्यवाद कि तूने आंसुओं को पोछा प्रभु, और शांति दिया, अपनी असीम शांति दिया, सुख दिया, आनंद दिया, रोग बीमारी से तूने छुटकारा दिया, असाध रोगों से, पुराने बीमारी से तूने प्रभु आज़ाद किया। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। सारा आदर महिमा सामान आपको मिले प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता अद्भुत अनोखा नामों में मांगते और कहते हैं स्वर्गीय पिता यीशु नासरी, आमीन 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 और आमीन।